इसको मैं दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला एक सिंपल जवाब है कि mRNA जो आप लेते हैं, अगर आप इसका इंजेक्शन लेते हैं, तो इसका आप DNA जो है आपका चेंज नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके DNA के चेंज होने। पहली बात मैं सीधी सीधी बता दूँ। दूसरा इसका थोड़ा सा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर दूँ ताकि लोगों की समझ में आए कि ये होता क्या। अच्छा, कुछ मिथ्स भी चल रही हैं, कुछ कहानियाँ भी बनी हुई हैं लोगों को डराने के लिए कि वो आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, चिप डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह के ड्रामे। तो वो जो चीज़ें इसमें आई हैं ना, वो मेरे ख्याल में जो पहले भी होता था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत सारी जो हमारी वैक्सीन्स हैं और बहुत सारी जो हमारी दवाइयाँ हैं जो एक्चुअली सदियों से चल रही हैं, उनमें जो है वो मेटालिक प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम है, तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ा डेंजरस है, लेकिन सच्ची बात ये है कि दवाइयों में ये प्रोडक्ट बहुत तरसे से इस्तेमाल हो रहा है और होता रहेगा। बाकी ये जो आयरन है या मैग्नेट है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सारा जो है ये अफवाहें हैं, इसमें कोई सच नहीं है। और दूसरी ये है कि पता ही होगा लोगों को अक्सर कि हमारी बॉडी में भी आयरन मौजूद होता है। अगर हमारी बॉडी में आयरन ना हो, ख़त्म हो जाए जिस दिन, उस दिन हम लोग मर जाएंगे। एक्चुअली उसमें कोई ज़िंदा रहने का चांस ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के, ख़ास तौर पर हीमोग्लोबिन, तो उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और बाकी बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो ये इसको लेके और एक हंगामा खड़ा कर देते हैं लोग और अफवाहें फैला देते हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं। अब थोड़ा सा मैं आऊँ, अगर मुझे इजाज़त दें आप, कि ये होता क्या है। तो होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस कोरोना इसलिए कहलाता है कि उसमें स्पाइक्स होती हैं, और जो जो एक्चुअल अगर पूरा वायरस अगर आप इंजेक्ट कर दें बॉडी के अंदर, तो उससे ये होता है कि वो जो वायरस है बॉडी को धोखा देके वो इस तरह से उसको सिग्नलिंग शुरू कर देता है कि बॉडी को कहता है कि ये वायरस जो है ठीक है, इसको बनाना शुरू कर, क्योंकि उसके अंदर सारे वो उसकी रेप्लिकेशन के सारे मैकेनिज्म होते हैं। तो वो बॉडी जो है उसी हमारी बॉडी को जो है वो समझ लीजिए कि कंफ्यूज करके वो वायरस रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता। तो कुछ कंपनियों ने ये किया कि बजाय इसके कि पूरा वायरस इंजेक्ट करें, उन्होंने ये किया कि ये जो छोटा सा स्पाइक है उसका ज़रा सा एक दाना है उसको पकड़ लेते हैं। तो वो अगर आपने दाना पकड़ लिया और उसको आपने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो वो वायरस तो नहीं बनेगा, इसलिए कि वो तो छोटा सा एक स्पाइक है, उसका एक प्रोटीन है। तो उन्होंने ये किया कि इस प्रोटीन को ले कर बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब होता ही है कि ये चूँकि एक मैसेंजर RNA है, इसमें ये प्रोटीन है, तो ये उसी तरह का सिग्नल देता है कि हमें मुझे रेप्लिकेट कर दो। लेकिन रेप्लिकेशन जो है पूरे वायरस की नहीं होती, ये जो स्पाइक है सिर्फ इसकी रेप्लिकेशन होती है। जब ये रेप्लिकेशन होती है तो बॉडी को लगता है कि इन्फेक्शन आ गया, हमला हो गया, चलो जी इनो सारी अपने शिप्स भी निकाल दो, जहाज हवाई जहाज भी निकाल दो, टैंक भी निकाल दो, इसके खिलाफ डिफेंस लॉन्च करो। तो बॉडी का जो है रिएक्शन शुरू हो जाता है और सारा डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है। लेकिन उसकी पीछे कहानी ये होती है कि वो सिर्फ एक छोटा सा स्पाइक होता है, पूरा वायरस नहीं होता, जिसके वजह से वो इन्फेक्शन नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लोगों को बताने की ज़रूरत है। अफवाहें ज़्यादा हैं, वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है बहुत दफ़ा हमारे मैं नाम तो नहीं लूँगा मुल्कों का, लेकिन काफ़ी मुल्कों से मुख्तलिफ ज़ुबानों में इस तरह के अजीब, जिन्होंने वैक्सीन लगाया वो सिर्फ 2 साल ज़िंदा रहेंगे या 1 साल ज़िंदा रहेंगे, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, 2 साल के बाद वही रहेंगे। एक कल मुझे किसी ने वीडियो भेजा जिसमें वो बना हुआ था, एक बंदा खड़ा हुआ है वीरान जगह पे, हवाएं चल रही हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है सड़कों पे ऊपर, वो बंदा अकेला है, और वो बंदा अकेला वो है जिसने इंजेक्शन नहीं लगाया था, बाकी सारे मर गए। तो इस तरह की अफवाहें जो हैं ये लोग फैलाते हैं डराने के लिए, पता नहीं क्यों फैलाते हैं, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन सेंसेशन एक फैक्टर होता है कि भाई मेरी वायरल
वीडियो वायरल हो जाएगी तो वो उस पर चला देते हैं, लेकिन ये इंसानियत के खिलाफ के लिए बहुत बड़ा धोखा है, ये फरेब है और लोगों को ये नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन फैलानी है आगे तो साइंटिफिक बेसिस पे फैलाएं, अफवाहों पे ना जाएं आप।